एक से बढ़कर एक योद्धा सबके सब उस मायावी बालक के सामने धूल चाट कर आ गए। उस बालक को भूल जाइए महाराज। क्या भूल जाऊं? भूल जाऊं? वाह चमचासुर वाह, क्या योजना सुझाई है। ये लो स्मृति नाशक चूर्ण, इसे लेकर तुम तत्काल नंदगांव जाओ और उस मायावी बालक की स्मृति नष्ट कर दो। अत्युत्तम महाराज। और तेज और तेज ये और तेज ये। काना, अरे मेरा माखन। इतनी भीड़ में तो उस मायावी बालक को ढूंढने में मास बीत जाएगा। कुएं के पानी में ही स्मृति नाशक चूर्ण मिला देता हूँ। पूरे नंदगांव को तो काना ने घुड़सवारी का मैदान बना रखा है। काना ने तो फिर से मेरी मटकी तोड़ दी, मेरे वस्तुओं का भी नुकसान किया। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, काना को आने दीजिए, आज मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगी। आज काना से बात ही नहीं करूंगी। क्या मैया मुझसे बात नहीं करेंगी? मैया मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद कोई शरारत नहीं करूंगा। हाँ? कौन हो तुम बालक? हाँ? जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगी मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस गांव में तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। हाँ? मैया इतना क्रोध। कौन सी मैया, तुम अपना परिचय क्यों नहीं देते? अब किसका बालक है ये? ठीक है मैं चला जाता हूँ, जाओ। हाँ हाँ, तुम्हें किसने रोका है, जाओ। क्या? बधाई हो महाराज, आप अमर हो चुके हैं। आपके मार्ग के कांटे को मैंने सदैव के लिए हटा दिया। आप अपने काल की स्मृति से हमेशा के लिए मुक्त हो गए महाराज। कहीं ये स्वप्न तो नहीं? ये सत्य है महाराज। ये लो चमचासुर, पूरे मथुरा में उत्सव की तैयारी की जाए। क्षमा करें महाराज, अगर उस मायावी बालक की स्मृति जा चुकी है तो क्यों ना उसे राज्यसभा में प्रस्तुत करके उसकी पुष्टि कर ली जाए। उत्तम विचार चमचासुर, प्रस्थान करो और उस मायावी को मेरे सामने लेकर आओ। मैंने तो पूरे नंदगांव की स्मृति नष्ट कर दी, पर उस मायावी बालक को तो मैंने ढूंढा ही नहीं। ए बालक, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? काका, क्या मुझे परिचय देना होगा? देखो मुझे तुम्हारे परिचय में कोई रुचि नहीं है, तुम जा सकते हो। हाँ? ये भी मुझसे रुष्ट है। मित्र, मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई है क्या? कौन है आप? सुदामा भी? राधा, अच्छा हुआ तुम मिल गई। ये हो क्या गया है लोगों को? मैया के साथ साथ ये भी मुझसे रुष्ट है क्या? देखता हूँ ये लोग कैसे रूठे रह सकते हैं मुझसे। कितनी मधुर धुन है, कौन बजा रहा है ये मधुर? आह।
कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो बालक। बड़ी ही जानी पहचानी सी धुन लगती है, जैसे रोज सुनती हूँ। सबको बांसुरी की धुन याद है, मगर मैं याद नहीं। मैं हूँ आप सबका कान्हा। अच्छा बेटा, ये कौन सा गांव है? हाँ? काका, आप अपने गांव को नहीं पहचानते? कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये मेरी शरारत की वजह से नहीं है, बल्कि किसी की माया का असर है। अच्छा हुआ सारे गांव वासी एक साथ मिल गए। महाराज कंस का काल इन्हीं बालकों में से कोई होगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप कौन महाराज? ए, तुम लोगों का राजा, राजा नंदसेन। हमारे राजा? अच्छा, गांव के सभी बड़े अपने अपने कार्य में लगे, आज हम इन सभी बालकों को अपने महल की सैर करवाएंगे। अरे वाह! आपके लिए क्या पुष्पक विमान बुलवाऊं? हैं? महाराज, आपकी बैलगाड़ी पर कैसे बैठूं? इतनी ऊंची जो है, अगर आप थोड़ी मदद कर दे तो। ठीक है ठीक है। ये कैसे संभव है? इतना सा कद और वजन 100 हाथियों वाला। एक विचार सुझाओ महाराज, इन बालकों को मुक्त कर दीजिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। क्यों, तुम कोई विशेष बालक हो क्या? जी महाराज, आप जिसे नंदगांव में लेने आए हैं वो मैं ही तो हूँ। आपके महाराज कंस का काल। तुम्हारी स्मृति में सुरक्षित कैसे रह गई? यही अवसर है महाराज कंस को प्रसन्न करने का। तुम्हें पकड़े ही गए कंस महाराज के काल। बालको, तुम घर जाओ, जिसे महल दिखाना था वो मेरे साथ ही आएगा। जी महाराज। आप कहे तो मैं आपकी कुछ सहायता करूं। मेरा उपहास? तो ये है तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। स्मृति नष्ट ना कर दी तो मेरा भी नाम चमचासुर नहीं बालक। ये बालक कहाँ गया? मैं कौन हूँ? आप बैल है और ये आपकी बैलगाड़ी है। आपको महाराज कंस ने बैलगाड़ी लेकर अभी बुलाया है। महाराज कंस ने? चमचासुर, ये क्या मूर्खों की भांति चले आ रहे हो? कहाँ है वो बालक? कौन सा बालक और कौन है आप जो मुझसे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रहे हैं? चमचासुर, लगता है तुम्हें अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है। इसे अभी काल कोठरी में डाल दिया जाए।
एक और योजना सफल हो गई। आखिर है कौन वो बालक? मुझे कहीं तो जाना था। अरे मुझे तो खेत में जाना है। अरे हाँ याद आ गया। कान्हा, कान्हा, मैया, कब से तुम्हें स्मरण कर रही थी, कहाँ चले गए थे? मैं तो यही था, आपका लल्ला अपनी मैया से कभी दूर नहीं रह सकता। मेरा कान्हा।